ये सारी मेडिसिन। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ जल्दी कीजिए ना। आप पहले इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन? जी हाँ, पेशेंट को ऑफिशियली भर्ती करवाइए। आप जानते हैं ये कौन है? ये कोई भी हो, ये राहुल सेठ है डॉक्टर। सेठ एम्पायर? यस। ओह माय गॉड। सिस्टर, आप जल्दी से जाकर डॉक्टर सरदेवा के नाम की अनाउंसमेंट कराइए। इट्स एन इमरजेंसी केस। हरी अप प्लीज। डॉक्टर कपाड़िया आप भी साथ चलिए। ये पे डॉक्टर सरदेवा। डॉक्टर मेहता प्लीज गेट इन टच विद डॉक्टर सचदेवा इन ओटी। डॉक्टर मेहता प्लीज गेट इन टच विद डॉक्टर सचदेवा इन ओटी। डॉक्टर मेहता प्लीज गेट इन टच विद डॉक्टर सचदेवा इन ओटी। राहुल सेठ के रिश्तेदार कृपया डॉक्टर मेहता से ओटी के बाहर मिले। डॉक्टर मेहता प्लीज गेट इन टच विद डॉक्टर सचदेवा इन ओटी। प्लीज राहुल को बचा लीजिए। We'll pray for the best. के बेटे। अच्छा क्या हुआ? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे? पी के रश ड्राइविंग कर रहे होंगे। आजकल के लड़के तो ऐसे ही होते हैं। माँ बाप कहाँ हैं? बड़े लोग हैं, उनके पास फुर्सत कहाँ है, आते ही होंगे। क्या पूछ उठाइए? हाँ सीरियस है। थोड़ा कैसा धपधप हो रहा है। सब कुछ ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा ब्रेन एवरेज हो गया है, घाव दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर खून बह गया है। मैं जिंदा नहीं रह सकता दद्दू, मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुझे कुछ नहीं होगा एटी, कुछ नहीं होगा। लगता है होश आ गया। फेंकू फेंकू कैसा चक्कर। डड्डू हाँ तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ फेंकू। और बाकी सब? बाकी सब ठीक है लेकिन राहुल। राहुल क्या हुआ? राहुल को? राहुल अभी तक कोमा में है, उसे होश नहीं आया। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलो चलिए कहीं ले जाओ। राजा क्या हुआ? राहुल सब ठीक हो जाएगा। प्रिया रोने से कैसे चलेगा? चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। चाहता मैं चाहता था प्रिया मेरी हो, पर मैंने राहुल का बुरा कभी नहीं चाहा। भगवान राहुल को जल्दी से अच्छा कर दो वरना प्रिया हमेशा अपने आप को दोषी समझती रहेगी। प्लीज उतनी खरीदारी किया करो जितनी हाथों में समा सके। मेरे लिए कुछ लाई हो? मेरी सौत है आपका काम और आपकी सौत है मेरी शॉपिंग। लेकिन आप अभी तक घर में बैठे क्या कर रहे हैं? आपकी तो मीटिंग थी ना आशीष नागपाल के साथ। तुम्हारी बददुआ लग गई है। हाँ पता नहीं बंदा कहाँ अटक गया है। बड़ा ही इर्रिस्पॉन्सिबल आदमी है, फोन तक नहीं किया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम में अटक गया होगा। आपको तो किसी में कोई बुराई नजर नहीं आती। अच्छा ये बताओ वो तुमसे चाहता क्या है? मेरी डिजाइन्स जिनकी यहाँ कोई कदर नहीं। इतना जल्दी किसी पर विश्वास मत करो सोम, पछताओगे। ये टाउनशिप प्रोजेक्ट सेठ इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। पिछले 3 महीनों से इसके पीछे पड़े हैं और मुझे आशीष की उतनी ही जरूरत है जितनी उसे मेरी। सोम तुम तो उसे अच्छी तरह जानते भी नहीं। आई नो आई एम गैम्बलिंग। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने सेठ इंडस्ट्रीज की नौकरी किस लिए छोड़ी थी। इतने दिनों बाद मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका मिला है और आशीष ये प्रोजेक्ट दिलाने में मेरी मदद करेगा। लेकिन क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा। तुम्हारी मदद करने का मतलब है सेठ से दुश्मनी मोल लेना और वो बिना स्वार्थ के सेठ से दुश्मनी क्यों मोल लेगा? इसलिए कि वो टैलेंट की कदर करता है और इसमें भी विश्वास करता है कि पैसे के अलावा और बहुत कुछ है। इस जमाने में ऐसा इंसान विश्वास नहीं होता। मुझ पर विश्वास करो जानेमन। प्रिया, क्या हुआ? प्रिया, क्या हुआ? राहुल ने मुझे तुम्हें उस वीकेंड पर कभी नहीं जाने देना था। मैं जानती थी कि वो लड़का मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। प्रिया, तुम मुझे बताओ क्या हुआ? प्लीज प्रिया, प्लीज से समथिंग। प्रिया प्लीज, तुम मुझे बताओ ना क्या हुआ। चुप मत रहो प्रिया, मुझे बताओ प्लीज, किसने किया तुम्हारा ये हाल? किसने किया बताओ। आई डू समथिंग अबाउट इट। प्रिया प्लीज, तुम किससे डर रहे हो? डर? हाँ, सच बोलने का डर। जी नहीं। हम किससे डरेंगे? जब तुमसे पूछा जाए तभी जवाब देना। तो शट अप। हाँ बोलो, तुमने क्या देखा? जी वो हम राहुल के साथ गाड़ी में आ रहे थे, हम उसके पीछे बैठे थे, तभी सामने से गाड़ी आई और टकरा गई। कौन सी गाड़ी थी? शायद एम्बेसडर थी। शायद नहीं, ठीक ठीक बोलो, कौन सी गाड़ी थी? इंस्पेक्टर साहब, जब मैंने ठीक ठीक देखा ही नहीं तो मैं ठीक ठीक कैसे बोलूं? अब वो हम बात कर रहे थे। शट अप। जब तुमसे पूछा जाए तुम तभी बोलोगे, ओके? बोलो कौन सी गाड़ी थी, बोलो। ठीक है, तुम बहुत होशियार बनते हो ना, तुम ही बोलो कौन सी गाड़ी थी। एक मिनट, तुम राहुल के क्या लगते हो? दोस्त। तुम वहाँ मौजूद? हाँ बिल्कुल। देखिए क्या देखा? अब वो जरा राहुल पीछे मुड़ा था कि अचानक। क्या राहुल पीछे मुड़कर गाड़ी चला रहा था? नहीं, वो एक सेकंड के लिए पीछे मुड़ा था, एक बस। तो उसने पी रखी थी? बिल्कुल नहीं। स्पीड क्या थी गाड़ी की? वो स्पीड वो तो पता नहीं, नींद आ रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था। तुम्हें इतना याद है कि राहुल पीछे मुड़कर गाड़ी चला रहा था, लेकिन इतना याद नहीं कि गाड़ी की स्पीड क्या थी। बोलो क्या स्पीड थी गाड़ी की? 50, 60, 70, 80, 90 बोलो। शायद 50 है ना? अच्छा अब ये बताओ कि तुम राहुल की जन्मदिन की पार्टी पे कब गए थे? वो एक दिन पहले गए थे और 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन जल्दी आ गए ना। क्यों जल्दी क्यों आ गए? क्योंकि हम बोर हो रहे थे। अच्छा आप जरा सच बताओ कि राहुल की जन्मदिन की पार्टी पे राहुल का किसी के साथ झगड़ा हुआ था या नहीं? हम झूठ क्यों बोलेंगे? शट अप, तुम बोलो। वो बस ऐसे ही थोड़ा सा वो प्रिया के साथ। प्रिया कौन है? कहाँ है सब? उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो जल्दी घर गई है। क्या लगती है तुम लोगों की? हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, साथ में कॉलेज में पढ़ती है। राहुल और प्रिया की दोस्ती कब से? बहुत सालों से। प्रिया के पेरेंट्स जानते हैं राहुल और प्रिया की दोस्ती के बारे में? बिल्कुल, सोम अंकल तो राहुल के डैडी के फॉर्म में काम कर चुके हैं, सेठ एंटरप्राइजेज में। प्रिया को घर से बुलाना होगा, उसका बयान लेना है, ओके? कांस्टेबल, इन दोनों के साइन करवा लो। मैं जानती थी कि राहुल तेरे लिए ठीक नहीं है। मेरा इंट्यूशन इसलिए तुम दोनों की दोस्ती को रोक लगाता था। मम्मी, राहुल मर जाएगा? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। अगर तुझे कुछ हो जाता, क्यों गई थी राहुल के साथ? क्यों कभी हमारे बारे में नहीं सोचती? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मुझको कुछ भी तो नहीं हुआ। कैसे होता? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और तुम्हारे पापा तो सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। फिर पर राहुल के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी माँ की वजह से। उसने आज तक किसी का अच्छा चाहा ही नहीं होगा। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, पाप की सजा तो मिलती ही है। राहुल के साथ ऐसा मेरी वजह से हुआ है। क्या कह रही है तू? तेरी वजह से? हाँ देखिए ना, मुझको एक भी खरोच नहीं आई, कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ, और राहुल को चारों तरफ खून ही खून। उसके बदन में खून बचा ही नहीं, सब निकल गया, और सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मम्मी सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं प्रिया, नहीं राजा, नहीं मुन्ना, तेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है मम्मी, मैंने उससे लड़ाई की थी, बहुत लड़ाई की थी, इसीलिए वो परेशान हो गया और उसने तेज गाड़ी चलाई। मैं बच गई और वो, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। राहुल कहाँ है? राहुल कौन? राहुल सेठ। गुड आफ्टरनून मैम, वॉइस वर्क ऑपरेशन थिएटर में, प्लीज गो एंड मीट डॉक्टर सचदेवा, इज वेटिंग फॉर यू। एक्चुअली मैडम, प्लीज साइन योर बॉन्ड। अमृता लिसन, अमृता जस्ट डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है राहुल बिल्कुल ठीक होगा। बहुत देर तो नहीं होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं डॉक्टर कपाड़िया, डॉक्टर सचदेवा अंदर ओटी में है। राहुल कैसा है डॉक्टर? उसके इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर हिम। डोंट वरी मैडम, ही इज द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन इंडिया। डॉक्टर अगर राहुल को कुछ हो गया तो? अमृता प्लीज, डॉक्टर यहाँ इलाज ही कर रहे हैं, आप जल्दी चलिए। मिस्टर सेठ श्योर, आप ही की जरूरत। हेलो आंटी। रजत ये कैसे हुआ? राहुल तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? जरूर कोई बात है, मुझे सच सच बताओ, कहीं उसका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? किससे एक्सीडेंट हुआ? कैसे हुआ? रजत तुम बोलते क्यों नहीं? रजत बोलो। राहुल बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था आंटी। स्पीड से क्यों? कहीं उसका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? पता नहीं, पर वो बहुत गुस्से में था। तुमने उसे गाड़ी धीरे चलाने को नहीं कहा? बहुत मना किया पर वो माना ही नहीं, कह रहा था जल्दी घर पहुंचना है। रजत तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं आंटी। सच बताओ रजत। मैं सच कह रहा हूँ आंटी। अच्छा आंटी मैं चलूं? कुछ बात तो है, क्या है? हे भगवान, मेरी किसी गलती की सजा राहुल को ना देना। राहुल के सिवा मेरा है ही कौन? माँ का किया बच्चे को भुगतना ही पड़ता है। था ना अपने पैसे का, अब क्या हुआ? क्यों नहीं अपने पैसे से खरीद लेते अपने बेटे की जान? हमारी बेटी भी तो वहाँ थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ। भगवान यूं ही नहीं बैठा है ऊपर। सुप्रिया तुम चुप करो। लो बेटा। अरे बेटा ऐसा होता है, देखो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो ठीक हो ना, इस बात से गिल्टी क्यों महसूस कर रही हो? अरे राहुल भी ठीक हो जाएगा। पापा मुझको जरा सी तो चोट लग सकती थी ना। ओ प्रिया, क्लास को कभी खाली मत देखो, उसे आधा भरा हुआ देखो। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम उसके लिए फूल ले जा सकती हो, उसके लिए प्रार्थना कर सकती हो। पापा कम ऑन प्रिया। हेलो अंकल। क्यों? पुलिस इंक्वायरी में पुलिस को उन सबका बयान चाहिए जो एक्सीडेंट के वक्त वहाँ मौजूद थे। लेकिन प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है। अंकल ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है प्रिया बेटे, आप डड्डू के साथ जाइए। ओके। और जरा जल्दी आ जाना बेटा। प्रिया का? हाँ वो डड्डू उसे कोई पुलिस इंक्वायरी के लिए लेके गया, हॉस्पिटल गई। पर तुमने उसे जाने दिया क्यों? क्या हुआ? ओ गॉड, मैं जाने में से सेठ आप क्या कर देगी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। तुम नहीं जानते कि एक्सीडेंट से पहले राहुल और प्रिया का झगड़ा हो गया था, तभी तो वो इतनी डिस्टर्ब थी और तुमने उसे जाने दिया। तुम अमृता सेठ को नहीं जानते, वो प्रिया को राहुल के एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराएगी, वो मेरी बच्ची को फांस लेगी। मैं क्या करूँ? सोम तुम जल्दी से जाओ और प्रिया को वापस ले आओ। सुप्रिया प्लीज। मैं कुछ नहीं जानती, तुम उसे ले आओ अभी, इसी वक्त। बच्चों की तरह मत करो, प्रिया को कुछ नहीं होगा। I'm Gadgil from CBI. हेलो मिस्टर गाडगिल। मिस्टर गाडगिल मुझे इस मामले की तय तक पहुंचना है। अगर वो आदमी पाताल में है तो भी आप उसे वहां से ढूंढ के लाएंगे। मैं अपनी ड्यूटी करने ही आया हूं सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ड्यूटी का अर्थ समझते हैं। वैसे मुझे ना सुनने की आदत नहीं। अगर आपके बेटे को किसी ने मारने की कोशिश की है तो वह जरूर पकड़ा जाएगा और उसे सजा भी जरूर मिलेगी। सजा? आप सिर्फ एक बार ये बता दें कि वो है कौन। वो तो मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन आपको भी इस केस में हमारी मदद करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, यू जस्ट नेम इट। आपको किसी पर शक? मुझे किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी? मुझे सोचना पड़ेगा। आपका कोई और बच्चा भी है? हाँ, एक बेटी है राहुल से बड़ी। सेठ अंपायर का वारिस कौन होगा? नेचुरली मेरा बेटा राहुल। क्या ये बात आपकी बेटी को मालूम है? देखिए निकिता लव्स राहुल। मुझे मालूम पड़ा है कि आपका बेटा उस रोज अपना जन्मदिन मनाने कहीं बाहर गया था। हाँ, तो क्या आप उसके दोस्तों को जानते हैं? नॉट एग्जैक्टली। क्या आप मुझे उन लोगों की लिस्ट दे सकते हैं जो उस रोज उस पार्टी में थे? मैं पूछ के बता सकता हूँ। कोई ऐसा दोस्त जो शुरू में उस पार्टी में हो और बाद में नहीं हो? मानव, सॉरी एक लफ्ज है जो मैं कह तो सकती हूँ, लेकिन जैसा मैं महसूस करती हूँ उसके लिए लफ्ज नहीं मेरे पास। मेरी जिंदगी में मेरी मम्मा ही मेरे लिए सब कुछ है और आज तुम्हारी वजह से वो मेरे पास है। मुझे सजा मिल गई, मेरी मम्मा बीमार हो गई, यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। इसीलिए मुझे ये शहर अच्छा नहीं लगता। यह इंसान बदल जाता है। वो रिया जो राहुल के कैफे में किस करने की कोशिश को आज तक माफ नहीं कर पाई, वो कहाँ गई? एक पार्टी में बदल गई। नहीं मानव, राहुल ने मुझे जानबूझकर बहकाया। उसके लिए रिश्ते एक खेल है जो मैं नहीं समझ पाई। अरे रिया, तुम तो सबसे अलग थी, अपनी राय खुद कायम कर सकती थी, फिर एक राहुल को नहीं समझ पाई तुम। मैं नहीं जानती, मुझे अपने आप से शर्म आती है। राहुल को लगता है कि मैं भी उन्हीं में से एक लड़की हूँ जिनको आप कोल्ड ड्रिंक पिलाकर कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। रिया, कहीं उसने, बताओ रिया प्लीज, कहीं उसने कुछ? मैं उसे नहीं माना, लेकिन मेरे जज्बात का क्या होगा? मेरे जज्बात के साथ अच्छा खिलवाड़ किया उसने, मेरी दोस्ती का अच्छा मजाक उड़ाया उसने। मानव, रिया मैं जानता हूँ तुम्हारी जैसी लड़की को समझ ही नहीं सकता था। जैसी लड़कियों से मिली ही कहां आज तक। वो क्या जाने दोस्ती जताई नहीं निभाई जाती है। मत रो रिया, प्लीज मत रो। मानव तुम कभी? रिया मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा अपमान हो। राहुल का अच्छा नहीं होगा, उसे सजा मिलेगी, उसे जरूर सजा मिलेगी। मानव, गजब हो गया यार। क्या हुआ रजत, इतनी चोट कैसी लगी? ये तो कुछ भी नहीं है। राहुल को क्या हुआ? राहुल को बताओ रजत, क्या हुआ राहुल को? एक्सीडेंट। रजत प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, प्लीज रजत। राहुल का है? रिया, राहुल